इस बात से तो हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किस तरह जंगली जानवर मिलकर पूरे जंगल में कोहराम मचाते रहते हैं। यहाँ चारों तरफ मासूम जानवरों की चीख पुकार के साथ उनका कत्लेआम होता रहता है। कब किसे किस मोड़ पर अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े कोई नहीं जानता। इन जंगली जानवरों की दरिंदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये दूसरे जानवरों के पेट में पल रहे बच्चों को भी खाने से पीछे नहीं हटते। उन्हें भी ये इतनी बेरहमी से मारते हैं जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आज हम आपको इन्हीं जंगली जानवरों की वीडियो से रूबरू करवाने वाले हैं जिनके घातक हमलों को शायद आपने अब तक नहीं देखा होगा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इनके शानदार हमलों की तरफ। हायना वर्सेस लेपर्ड। लेपर्ड कितना घातक और खूंखार शिकारी हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन आता है जब जंगल के खूंखार जानवर भी भीगी बिल्ली बने नजर आते हैं। इस लेपर्ड को देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। यहाँ झाड़ियों में एक लेपर्ड इन खूंखार हायना के बीच बुरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है। जहाँ ये सारे हायना मिलकर इसे मारने में लगे हुए हैं, उसी बीच एक हायना इसके पैर को घसीटकर अंदर की ओर लेकर चला जाता है, जिसके बाद हायना का झुंड उस पर बुरी तरह टूट पड़ता है। लेपर्ड इन खूंखार दरिंदों के बीच ऐसे फंस चुका है जिसे देख कर लगता है कि लेपर्ड अब कुछ ही पल का मेहमान है। उसी दौरान मौका पाकर एक हायना उसे पीछे से नोचने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में लेपर्ड गुर्राने लगता है, लेकिन हायना का झुंड उस पर इतना उत्तेजित हो चुका है कि लेपर्ड के गुर्राने का इन पर कोई असर नहीं होता और ये उसे आज मारने के फुल मूड में दिख रहे हैं। कुछ देर बाद ये हायना इसे इसी हालत में छोड़कर वहीं घूमने लगते हैं और ये लेपर्ड मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा और अंत में ये वहीं लेटकर अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें गिनने लगता है। हायना वर्सेस ज़ेब्रा। अपने शिकार को घेर कर मारने की कला हायना के अलावा शायद ही किसी और जानवर में देखने को मिलती है। जहां पिछली वीडियो में इतने सारे हायना मिलकर एक लेपर्ड जैसे खूंखार जानवर को मार रहे थे, उसी तरह यहां भी कुछ एक ज़ेब्रा को मारने में लगे हैं और ज़ेब्रा इन हैवानों के सामने काफी बेबस दिखाई दे रहा है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि ज़ेब्रा को अकेला पाकर ये सारे हायना उसे दौड़ाने में लगे हैं। इन हैवानों ने इसे पहले से ही इतना घायल कर दिया है कि ये मासूम ज़ेब्रा ठीक से दौड़ भी नहीं पाता और सभी हायना उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि ज़ेब्रा भी इनसे बचने की पूरी कोशिश में लगा है, लेकिन इन शैतानों ने इसे ऐसे घेर रखा है कि शायद ही आज ये इनसे जिंदा बचने में कामयाब हो पाए। एक हायना उसके ऊपर चढ़कर उसे इतनी बुरी तरह से घायल करने में लगा हुआ है कि बेचारा ज़ेब्रा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इस वक्त ज़ेब्रा को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो इन दरिंदों के आगे हार मान चुका है। हालांकि वो एक बार अपनी जगह से उठकर खुद को बचाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन हायना का झुंड उसकी एक भी नहीं चलने देता। देखते ही देखते वो सब उस बेचारे पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मानो उन्हें सालों से खाना ना मिला हो। ज़ेब्रा के पास अब अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है और वो चाहकर भी इनसे नहीं बच सकता। धीरे धीरे करके ये सारे हायना इसके शरीर से सभी बॉडी पार्ट्स को खाने लग जाते हैं और ज़ेब्रा इनके सामने तड़पता रहता है। हायना वर्सेस चीता। हायना को जब भूख लगती है तब वो इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करता कि सामने कौन सा जानवर खड़ा है। उसे अपने खाने के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। यहाँ खाने की तलाश में भटकता हुआ हायना जंगल की ओर पहुँचता है, जहाँ उसकी नजर मांस खाते दो चीता पर पड़ती है। हायना जिस तरह अपने शिकार को दबोचने के लिए जाना जाता है, उसी तरह ये दूसरों का शिकार हड़पने में भी माहिर है। तभी तो ये चीता जैसे घातक शिकारियों से पंगा लेने पहुंच गया है। चीता को मांस खाता देख हायना अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस मांस को हड़पने के लिए दौड़ लगा देता है। तभी हायना को अपने करीब आता देख एक चीता उसे रोकने की कोशिश करने लगता है ताकि हायना के मंसूबे को चकनाचूर किया जा सके, लेकिन हायना जंगल का एक ऐसा टैलेंटेड शिकारी है जो इन दोनों के बीच से उस मांस के टुकड़े को उड़ाने में कामयाब हो जाता है और दोनों चीता बेचारे मुंह ताकते रह जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि जरूरी नहीं है कि हायना को अपना पेट भरने के लिए हमेशा झुंड की जरूरत पड़ती हो। कभी कभी ये अकेले ही अपने खाने का बंदोबस्त कर लेता है। लायन वर्सेस एलिफेंट।
हाथी जंगल का एक ऐसा जानवर है जो गुस्सा आने पर अपनी सूंड से किसी को भी आसमान की सैर करा सकता है। लेकिन इस मामले में शेर भी कुछ कम नहीं है। ये जंगल का वो सरताज है जो हाथी जैसे शक्तिशाली जानवर को भी मारने से पीछे नहीं हटता। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि शेर एक हाथी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर चढ़कर उसे गिराने में लगा हुआ है। वहीं हाथी भी अपने बचाव में शेर को पैरों से मार रहा है, लेकिन शेर की पकड़ के आगे उसके सारे दांव पेच फेल हो रहे हैं और वो धीरे धीरे उसके चंगुल में फंसता ही जा रहा है। इन सब के बीच शेर अभी भी हाथी पर लगातार हमले किए जा रहा है। कभी ये उसके माथे को नोचने लगता है तो कभी उसकी सूंड को पकड़कर उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है। शेर को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज ये हाथी का कचूमर निकाल कर ही दम लेगा, लेकिन तभी शेर के हमलों से तंग आकर हाथी अब इसे सबक सिखाने की ठान लेता है और अपनी सूंड की मदद से उसे नीचे पटक देता है और फिर मौका पाकर हाथी वहां से फरार हो जाता है। खैर, यहाँ ये हाथी शेर से बचने में कामयाब हो गया, लेकिन जरा सोचिए कि इसी जगह अगर हाथी का बच्चा होता तो क्या वो शेर के चंगुल से बच पाता? चलिए आपको दिखा ही देते हैं। यहाँ एक हाथी का बच्चा पानी पीने आया हुआ है, तभी उसे अकेला पाकर एक शेर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही बच्चा पानी पीकर वापस जाने की तैयारी करता है, तभी इसके पीछे खड़ा शेर उसे डराने लगता है। शेर को अपने करीब देख हाथी भी वहां से भागने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन ये दरिंदा उसे पकड़कर नीचे पटक देता है और वहां मौजूद एक शेरनी के साथ मिलकर उसे नोचना शुरू कर देता है। हाथी का बच्चा उनसे छूटने की पूरी कोशिश में लगा रहता है, मगर उसकी एक भी कोशिश सफल नहीं होती। देखते ही देखते ये दोनों हैवान उस बेचारे हाथी के बच्चे को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं और उसे हर तरफ से नोचना शुरू कर देते हैं। इस बच्चे का आगे क्या हश्र हुआ होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इसकी हालत को देख लगता है शायद ही ये जिंदा बचा होगा। क्रोकोडाइल वर्सेस ज़ेब्रा। वैसे जंगली जानवरों की लिस्ट में जेब्रा और क्रोकोडाइल का भी नाम शामिल है, जिसमें जेब्रा अक्सर दूसरे जानवरों का शिकार बनते हुए ही नजर आता है और वहीं क्रोकोडाइल शिकार करने के लिए जाना जाता है। इस छोटी सी क्लिप में आप देख सकते हैं कि पानी के किनारे एक जेब्रा इन दो क्रोकोडाइल के सामने अधमरा सा पड़ा हुआ है, जहां ये दोनों क्रोकोडाइल मिलकर इसके शरीर को खाने में लगे हुए हैं। इन दोनों क्रोकोडाइल ने जेब्रा की ऐसी हालत कर रखी है कि बेचारा जेब्रा अपनी जान बचाने के लिए कहीं भाग भी नहीं पा रहा और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब ये कुछ ही पल का मेहमान है। बारी बारी करके ये दोनों क्रोकोडाइल इसे ऐसे खा रहे हैं जैसे मानो आज इनकी लॉटरी ही लग गई हो। एनिमल किंगडम में जेब्रा वो शिकार है जिसे जमीन में घूमने वाले शिकारी जानवर तो हमेशा शिकार बनाते ही हैं, मगर वहीं पानी में रहने वाले जीव भी इसका कचूमर निकालने से जरा भी पीछे नहीं हटते। टाइगर वर्सेस बोर। टाइगर जंगल का वो शैतान है जो अपने मजबूत पंजों और तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। इसके जबड़ों में इतनी ताकत है कि पल भर में किसी जानवर को मौत की नींद सुला सकता है। यहाँ भी ये अपने हंटिंग स्किल का एक शानदार नमूना दिखाने वाला है। खाने की तलाश में एक टाइगर जंगल की तरफ निकला हुआ है, जहाँ उसकी नजर एक बोर पर पड़ती है। बोर जैसे आसान शिकार को देख टाइगर बड़ी ही चालाकी के साथ अपने शिकार की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ताकि मौका मिलते ही ये उसे दबोच सके। इधर बोर को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है कि एक टाइगर उसे मौत के घाट उतारने के लिए घात लगाए बैठा है। बोर अपने साथियों से कुछ दूर जाकर घास खाने लग जाता है। आखिरकार टाइगर को वो मौका मिल ही जाता है जिसका वो इंतजार कर रहा था। बोर को अकेला देख वो उस पर पूरी जी जान से हमला कर देता है और एक ही झटके में उसके गर्दन को दबोच लेता है। देखते ही देखते उसे मारकर टाइगर आराम करने लगता है। बबून वर्सेस चीता। चीता भले ही जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों की लिस्ट में टॉप पर आता हो, लेकिन जब इसका दिन खराब होता है तब ये एक लंगूर जैसे जानवर तक से अपनी जान बचाने के लिए मोहताज हो जाता है। ऐसा ही एक नजारा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां चीता और लंगूर की टीम आमने सामने दिखाई दे रही है। इन दोनों टीमों को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे मानो आज कुछ अलग ही खेल होने वाला हो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर रहे हैं।
तभी उनमें से एक लंगूर चीता की टीम की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद चीता की टीम उसे डराकर साइड कर देती है। लेकिन लंगूर ने भी मानो आज कसम खा रखी थी कि आज इनकी टीम को मजा चखा कर ही दम लेगा। लंगूर फिर से उनमें से एक चीता पर हमला करता है, जिसके बाद चीता के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। शायद चीता को अब ये बात समझ आ गई होगी कि जब दिन खराब हो तो कदम बहुत फूंक फूंक कर रखने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे जंगली जानवरों के सबसे खतरनाक हमले, जिसे देखकर शायद आपकी भी रूह कांप गई होगी। आपको इनमें से कौन सी फाइट सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।